गुनाह कर रही हूँ। सवाल नंबर 3, मदनी चैनल देखना कैसा है? दावत इस्लामी वालों का कहना है कि तस्वीर कशी हराम है, जो तस्वीर साकिन हालत में है वो हराम है, लेकिन हम तस्वीर साकिन हालत में नहीं दिखाते बल्कि वीडियो की सूरत में दिखाते हैं, क्या यह देखना सही है? हजरत मेहरबानी करके आप हमारी रहनुमाई फरमाए। तस्वीर कशी नाजायज हराम है और मदनी चैनल कोई नहीं है, इसी चैनल को मदनी कहना जायज नहीं है। हुजूर से बड़े आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला ने जानदार की तस्वीर को मुतहर्रिक बने या साकिन जी, उसके खिंचवाने को बनाने को हराम और नाजायज कहा। उसमें ये तफसीर करना कि हम मुतहर्रिक दिखाते हैं साकिन नहीं दिखाते हैं, ये गलत बेहुदा बातिल ख्याल है जी। इससे पहले खुद इलियास कादरी टीवी को वीडियो को हराम और नाजायज कहते थे, अब मुख्तलिफ ताबीरों और गिरों बहानों से वो सिनेमा को, जिसको सबसे पहले मौजूदी ने जायज कहा था, उस सिनेमा का रिवाज देना चाहते हैं और इजमाई मसला तस्वीर कशी का जो है, जिस पर आज तक के उलमा का इजमा चला आ रहा है, हुजूर मुफ्ती आज़म अकबर अल्लाह मरकदहु ने फरमाया खुदा, उसमें भी काबे शरीफ वगैरह की तस्वीरें दिखाई जाती थी, फतवा ये दिया कि दीन को तमाशा बनाना नाजायज है और उस वक्त के मुख्तदर उलमा ने उनके फतवे की तस्दीक की, उस पर इजमा हो गया। इस इजमा को तोड़ना और मुख्तलिफ हीनों बहानों से तस्वीर कशी को नाजायज जायज बताना, इससे नाजायज जायज नहीं हो सकता। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद अहादीस मुतवातिरा में उसकी हुर्मत सराहतन फरमाई है और कोई खास तरीका नहीं बताया है कि इस तरीके पर बनेगी जायज होगी और उस तरीके पर वजूद नाजायज होगी। लिहाजा कयामत तक अब जो नए तरीके निकले हैं इनसे भी कोई और ज्यादा नया तरीका अगर निकला है जानदार की तस्वीर बनाने बनवाने का तस्वीर नाजायज ही रहेगी और चीज को तमाशा बनाना ये नाजायज हराम है। ऐसे इज्तिमाआत में जाना जायज नहीं है और यहीं से पहले सवाल का जवाब जाहिर हो गया कि जो तंजीम ऐसे खुले मुहर्रमात का रिवाज दे रही है वो मसलक आला हजरत की या मसलक अहले सुन्नत की मुबल्लिग नहीं है, उनको